पर भूमि पूजन किया जा रहा है और मंत्री राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। कालखंड में केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार से इस राजस्थान का आवाम जो लाभान्वित हुआ है उसकी संख्या 4,03,97,535 यानी आबादी का लगभग 60% व्यक्ति किसी न किसी तरह से व्यक्तिगत लाभकारी योजना से लाभान्वित हुआ है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं तो उनके सिर्फ 5% लोग लगभग 2.5-3 लाख लोग यहाँ आएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार ये हिम्मत नहीं कर सकती जो उन्होंने काम किया उसको दिखाने के लिए। चूंकि हमारी सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है इसलिए ये महासम्मेलन और ये व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों का ये सम्मेलन हो रहा है। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने हमारी बैठक ले ली है, मुख्यमंत्री जी ने बैठक ले ली है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आने के लिए आतुर हैं। हमें 18 जो हमारी मुख्य जो लाभकारी योजना है उसमें 18 ब्लॉक में उनको बैठाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये सब लोग संदेश लेकर जाएंगे। ये प्रतीकात्मक है क्योंकि हम इतनी बड़ी संख्या में सब लोगों को यहाँ ला नहीं सकते। प्रतीकात्मक रूप से हम प्रधानमंत्री जी को रूबरू करवाना चाहते हैं उन लोगों को, जिन लोगों को राजस्थान के अंदर जिनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए, जिनको विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके राजस्थान और केंद्र सरकार ने एक अद्वितीय काम किया है। लेकिन सवाल उठता है राठौड़ साहब कि जो गरीब है वही लाभान्वित होते हैं मैक्सिमम, तो क्या उनके आत्मसम्मान को एक ठेस नहीं पहुंचेगी? गरीब के आत्मसम्मान को ठेस नहीं, गरीब के आत्मसम्मान को ऊंचा करने के लिए आज इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होकर अपना काम में लौट रहा है, काम कर रहा है, तो आज ऐसे सम्मेलन में आके वो छाती तान के कहेगा कि मेरा रुग्ण शरीर आज बिल्कुल स्वस्थ है। व्यक्तिगत लाभकारी योजना के अंदर अलग अलग योजनाओं में हमारी बहन खड़ी होकर कहेगी मैं पहले धुएं पर रोटी बनाते हुए अपने फेफड़ों में लेती थी, 200 सिगरेट का धुआं एक बार खाना बनाने में जाता था, आज मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा दी है। मैं समझता हूं कि ये उन सबको गौरवान्वित करने के लिए हम लोगों ने उनको यहां बुलाया है, ना कि उनके उनके किसी प्रकार के उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। चूरू रैली हुई थी तो उसमें कुछ हंगामा हो गया था, तो इस बार सिर्फ भाजपा की विचारधारा वाले लोगों को बुलाया जा रहा है? देखिए सरकार ने कभी भी इस आधार पर कौन किस विचारधारा का है लाभान्वितों को चिन्हित नहीं किया। सिर्फ गरीबी के खिलाफ जो जंग लड़ा गया है इन वर्षों के अंदर सरकार की योजनाओं से, वो चाहे किसी भी दल और किसी भी विचारधारा का होगा, हमारा फोकस राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का रहा और हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उन्मूलित हुए हैं। कितने लोग आ जाएंगे सिर्फ लाभान्वितों के अलावा? पार्टी तो कोशिश कर रही है, आपके कार्यकर्ताओं को भी टास्क दी जा रही है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जब कभी भी लाभान्वितों का कोई लाभान्वित होता है उसकी यह नहीं कि कोई दल नहीं होता, सभी लोग कोशिश करते हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अगर इसमें मदद करता तो गुनाह नहीं कर रहा। हम एक राजनीतिक दल की सरकारें हैं और लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल अपने अपनी सरकारों के साथ खड़ा रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी की जो सभा यहाँ पर हुई थी उसमें 3 लाख से ज्यादा लोग थे, क्या आप रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि भूतों ना भविष्यत है, एक ऐसे लोगों को जिनको लाभ मिला है ये पहली सभा है राजस्थान निर्माण के बाद, वरना कोई भी सरकार अब तक इस प्रकार की सभा का आयोजन नहीं कर पाई और इस सभा के अंदर इतने लोग आएंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और ये देश की पहली सभा है। वरना फ्लैगशिप स्कीम हो चाहे लाभान्वितों की स्कीम हो उसको कागजों में दौड़ाते रहते हैं, हमने जिस काम को मूर्त रूप दिया उसी मूर्त रूप काम को हम सामने रखेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं भूमि पूजन किया जा रहा है जयपुर में, अमरूदों के बाग में हुआ भूमि पूजन और यहाँ पर कई मंत्री नेता शामिल है और मदन लाल सैनी क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी मीडिया से मुखातिब, ऐतिहासिक होगी और जिन लोगों को लाभान्वित किया है उन सबको हम बुला रहे हैं। सारे लोग तो नहीं आ पाएंगे लेकिन अधिकांश लोग आए ये हमारा प्रयास है।
अध्यक्ष जी, एक सवाल जरूर उठेगा, जैसे मदन मैंने राठौड़ साहब से पूछा था कि जिन लोगों को आपने फायदा दिया, स्कीम्स बनाई, उनके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचेगी क्या? उनको आप जगह जगह ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि साहब ये गरीब हैं और इनको हमने फायदा दिया, और अब ये जो है ना सरकार के सामने सर्टिफिकेट दे के आए कि हम साहब पीएम मोदी की रैली में जाके आए और हमारा सरकार ने भला किया, ये कहाँ जरूरत पड़ रही थी? क्या सिर्फ वोट के लिए सब कुछ किया जा रहा है? वोट के लिए नहीं, जिन लोगों ने नारे दिए गरीबी हटाने के, उनके पास कुछ भी पहुंचा नहीं केवल भाषण के अलावा, और जिंदगी भर कहते रहे खजाना खाली है, खजाना खाली है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान और केंद्र की सरकार है जिसने हर उस व्यक्ति को जिसको जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति की है। व्यक्ति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति अपने व्यक्तिगत संसाधनों से नहीं कर सकता। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जिनको संसाधनों की आवश्यकता है जीवन यापन करने के लिए, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, वो व्यवस्थाएं करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य में और केंद्र में किया है। मैं हमारी केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार का बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो योजनाएं हैं उनकी कभी किसी ने कल्पना की थी क्या? ये जो हमारा अन्नपूर्णा योजना है, मानो 5 रुपए में कभी नाश्ता मिलता था क्या? कभी 8 रुपए में भोजन मिलता था क्या? बस स्टैंड पर अपने भाई बंधुओं को बैठाने एक आदमी आता है, 70-80-100 रुपया उसकी जेब कट जाती है, वो 21 रुपए में 8 रुपए में भोजन कर लेता है, तो क्या उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि 21 रुपए में 2 समय का भोजन और 5 रुपए में नाश्ता, ये उसका स्वाभिमान है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति है? इसलिए ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं से व्यक्ति का स्वाभिमान भी बढ़ेगा, समाज में उनकी जो अप्रतिष्ठा हो रही होती है अभाव के कारण से, वो अप्रतिष्ठा भी ठीक होगी। और सारी ही योजनाएं ऐसी नहीं हैं जिनसे उनका आत्मसम्मान गिरता हो। हमने कोशिश की है कि आत्मसम्मान बढ़े, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े और उनका परिवार स्वस्थ और संपन्न होकर देश के अन्य लोगों के साथ देश के विकास में वो अपना योगदान कर सके। थैंक यू वेरी मच सर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी पहुंचे हैं जयपुर, जहां पर अमरूदों के बाग का भूमि पूजन यहां पर किया गया, और ये तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर की जा रही है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुलाबी नगरी में दौरा है।